आपकी अनुमति से मैं ये कहना चाहती हूँ महोदय, मेरे 7 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में आज तक किसी पुरुष ने इस प्रकार की किसी भी सदन में हिमाकत नहीं की। ये विषय महिला का नहीं है। इस सदन में और दूसरे सदन में भी कई पुरुषों ने अपने राजनीतिक सामाजिक कार्यकाल में महिला के संरक्षण के लिए, सम्मान के लिए आवाज उठाई है। लेट अस नॉट रिड्यूस इट टू अ विमेन्स प्रॉब्लम। दिस इज अ ब्लॉट ऑन ऑल लेजिस्लेटर्स इंक्लूडिंग मेन सर। यस यस, दिस इज नॉट अ हाउस वेयर मेन कम इन ताकि किसी औरत की आंखों में झांका जाए। एंड व्हाट वाज रिपंगनेंट was that a leader stood in solidarity with the left. My appeal to you, sir, irrespective of our political differences, the entire nation watched yesterday kaise ye sadan sharmsar hua. Is sadan mein baatcheet privileged hoti hai? अगर महिला के साथ इस प्रकार की बदतमीजी सदन के बाहर होती तो वो पुलिस का संरक्षण मांगती और उसे मिलता। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का बिल इसी सदन ने पास किया और हम चुपचाप बैठकर महोदय मुखदर्शक नहीं बन सकते। मंत्री के नाते नहीं, महिला सांसद के नाते नहीं, आज सांसद के नाते पूरे सदन को मेरी अपील है, ये मैसेज भेजें कि महिला चाहे किसी भी पक्ष की हो, इस सदन का प्रिविलेज मिसयूज नहीं होगा एक महिला का अपमान करने के लिए। महोदय, बाहर पुलिस का संरक्षण है, यहाँ आपका है। मैं अपील करूंगी कि सदन में पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के, जेंडर डिफरेंसेस छोड़ के, हमें एक स्वर में बोले, यू कैन नॉट मिसबिहेव विद अ वुमन एंड गेट अवे विद इट बट जस्ट ड्रामेटाइजिंग इट एंड सेइंग मैं रिजाइन कर दूंगा, या आपको गलत फहमी हुई है। आई स्टैंड हियर टू कंडेम एंड आई एक्चुअली हैंग माई हेड इन शेम टूडे। For the first time I'm feeling that I come to this highest office of democracy, which we call as the temple of democracy, where one of my colleagues, here we work for gender equality, who has worked very hard, she's had her challenges in her lives, and this offensive language is just not accepted. We have to show zero tolerance towards any such it. It's a very shameful, and if we don't correct it today, generations ahead will follow bad values. I think we set good examples of good culture and good values, and the beginning starts with us. So I urge, sir, for you to give very, very strict instructions that no member, be it a man or a woman, should be insulted or offended with any language or any such personal comments. We come here as professionals, not as men and women. So I condemn it, and sir, we expect that you will take very strict action, and the House has to stand in one voice against this. It doesn't matter whether you're sitting on this side or that side. Even the men are with us today. We have to come out today and give one voice, because this is voice for the women of India, which we are very proud of. Thank you. कल जिस तरीके से जो यहाँ पर वाक्य हुआ है, मुझे लगता है जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, हम अपनी जिंदगी में इतने ताकत से लड़कर यहाँ आए हैं, तो किसी भी पुरुष को ये अधिकार नहीं है हमारे पर कुछ भी बात करना। कोई अपनी माँ से ये बात नहीं कहेगा कि आप मेरी नजरों में देखकर बात कीजिए, आप मेरे दिल में बैठती हो, या बहनों को नहीं बोलेगा। तो मुझे लगता है कि सभी पुरुष यहाँ पर जितने भी हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड है, क्योंकि आपके बिना हमारी जिंदगी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आप लोगों से कमजोर हैं। अगर लड़ने की बात आएगी तो हर महिला यहाँ पे बैठे हुए, पक्ष अलग होगा, पार्टी अलग होगी, हम सब एक होकर महिलाओं के प्रश्नों के लिए सब लड़ेंगे। और इससे उन्हें आपने स्ट्रिक्टली, और उन्होंने कहा बहुत अच्छे से कि आप मेरी छोटी बहन लगती हैं। अरे बहन के सामने अगर झुक जाते तो भाई कभी छोटा नहीं होता, भाई और बड़ा हो जाता। तो भाई ने अगर झुक के दो शब्द बात कर लिए होते और सॉरी बोलते, तो शायद आज वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते। तो मैं, हमारी कोई भी महिलाएं इस सदन में बैठी हूं, तो मुझे लगता नहीं कोई भी इस चीज को सपोर्ट करेगी, इसके विरोध में हमेशा रहेगी। फिर पार्टी इज नॉट मैटर, इट इज जस्ट अ फीमेल सपोर्टर, बिकॉज हम बहुत मुश्किल से और बहुत परेशानियों से Thank you, sir. Sir, yesterday I was present when this massacre was going on. I just want to tell one little thing.
that when I first came in this parliament, everybody respected me, everybody welcomed me with open hearts, and that was what I was learning. But yesterday when I was present here, and I had been called the youngest MP, this, that, but all I want to say that, sir, this is a learning process, and what happened yesterday, that cannot be a part of my learning process, which I, as a woman, am learning every day. This cannot be, apart from any political difference which we have, we fight, but this should be unanimous. We should fight for it totally. Nobody can stand in the parliament and tell a woman, a speaker, look into my eyes and talk. Right? You might be very rhythmic in your couplets or anything, but that's not a parliamentarian thing. And I think you should come up with something like that, which we all are looking forward. All women right here are expecting something big from you right now. Thank you so much, sir. Sir, a woman, whatever age she belongs to, wherever she comes from, and whatever post she holds, and wherever she sits, they continue to be insulted. And even in this house of democracy, women are continued to be insulted and made to feel small. I condemn this. This cannot go on. And definitely bringing the reservation and bringing more women's reservation and bringing more women into this house will add to the strength of women. And I'm sure we are with the government to support the bill when they bring it. And it's unacceptable that somebody can insult a fellow parliamentarian like this. And if the state of women inside this house is this, then we can understand how these very same people will be treating women outside the parliament and what the state of affairs outside this house can be. Maniya Adhyaksh Mahoday, कल जो इस सदन में हुआ उससे ये लोकतंत्र का मंदिर, ये सदन ही शर्मसार नहीं हुआ है, बल्कि पूरा देश शर्मसार हुआ है। और पूरे देश को इस बात की तकलीफ है कि हम जिस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति इतनी आस्था रखते हैं, वहां हमने कैसे नुमाइंदे चुनकर भेजे हैं। और मुझे लगता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की है चुनकर आए होंगे, आज उनके पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का सर शर्म से झुका होगा कि हमने कैसे व्यक्ति को यहाँ चुनकर भेजा है। हमारी रमा देवी जी पार्लियामेंट की, लोकसभा की सीनियर मेंबर है, सीनियर एमपी है, और मैं जब उनको देखती हूँ अध्यक्ष महोदय, तो मुझे उनके अंदर अपनी माँ का स्वरूप नजर आता है। हो गया। और हम लोगों से जब भी वो बात करती हैं, तो एक माँ के समान स्नेह हमको देती हैं। शी इज अ वेरी एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन, वी नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हर, एंड वॉट एवर हैज हैपेंड इन दिस पार्लियामेंट इज वेरी अनग्रेसफुल। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ऐसी घटनाओं को भविष्य में होने से रोकना है तो आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। पूरा सदन आपसे मांग करता है, मैं महिला होने के नाम से आपसे मांग कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर आप खामोश नहीं रह सकते। माननीय, हम महिलाएं आज बहुत बड़ी संख्या में संसद के अंदर हैं, और मैं खुद एक सामान्य परिवार में जन्म ली हूँ, उसके बाद अपने पिताजी के संघर्षों के माध्यम से मैं एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी हूँ। मैं बहुत भली भांति इस चीज का एहसास कर सकती हूँ मान्यवर, कि महिलाओं पर, चाहे वो सामान्य परिवार की हो या किसी राजघराने की हो, राजनीतिक परिवार से हो, उसके ऊपर समय समय पर टीका टिप्पणी होती रही है। पहले भी हमारे तमाम महापुरुषों ने भी महिलाओं के हक और सम्मान के लिए लड़ा है। आज मान्यवर मैं इसलिए आपके सामने खड़ी हुई हूँ कि कल जो सदन में हुआ है, हमारे बीच की ही एक सांसद जो पीठासीन सभापति के रूप में बैठी थी, मान्यवर उन पर जो कमेंट किया गया है, अशोभनीय शब्द का जो प्रयोग किया गया है, माननीय सांसद को उसके लिए क्षमा मांगना पड़ेगा। मान्यवर, उन्होंने इस्तीफे की बात की है, हमें इस्तीफे से नहीं मतलब है, हमें क्षमा चाहिए, उन्हें माफी मांगना होगा मान्यवर आकर के सदन में।
लोकसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के पीठासीन और बीजेपी सांसद रमा देवी पर विवादित बयान को लेकर के जमकर के हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद ने आजम खान के बयान की एक सुर में निंदा की है। जो भी न्यूज आपसे पूछता है कि ऐसे व्यक्ति को क्या सजा होनी चाहिए, दोस्तों अपना कमेंट जरूर से बताएं।